वर्त्यागी पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पूरनपुर से बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान पर उनके ही कार्यकर्ताओं ने उन पर विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए में गोलमाल कर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत स्वतंत्र देव सिंह और जिलाधिकारी पुलकित खरे से की। हरी बाबू पासवान ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। कोरोना काल से पहले विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए को अधिकारियों को दबंगई दिखाते हुए ग्रामीण विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर कर पूरनपुर ब्लॉक ले गए और वहीं बीजेपी विधायकों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए जिला प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के जरिए कराए गए विधायक निधि से निर्माण कार्यों की जाँच को बात कहते हुए शिकायतकर्ताओं को अन्य दलों का नेता बताते हुए उस पर मानहानि का केस करने की बात कही है। हमारी ये है, मैंने माननीय विधायक बाबूराम पासवान जी की जिलाधिकारी महोदय से कार्रवाई करने की मांग की है। लगभग 2 करोड़ रुपया जो था वो आरएस में गया था और उसको जो है ब्लॉक में उन्होंने मंगा लिया। ई टेंडर उसका होना चाहिए था, उसमें अधिकारियों की मिली भगत से वो बंदरबांट किया गया। काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ और पैसा खर्च कर लिया गया। मुझे इसकी नॉलेज नहीं, ना मुझे पता है इसको। यदि कोई कहता है तो एक बार मैंने नाम सुना था, वो पहली बात तो वो ना तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी, उसने एक बार आरोप माननीय जिलाध्यक्ष जी पे भी लगाए थे, तो जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा था कि वो कोई पार्टी का आदमी नहीं। वो ऐसा है मिसगाइड करके लोगों के खिलाफ जो लगाता है उनको ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। एक की बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, मेरे साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का या पार्टी का वो बदनाम करने की कोशिश करता है उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करूँगा।